दौड़ लगाना सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बड़े बड़े एथलीट को कई किलोमीटर की रेस पूरी करते आपने और हमने सबने देखा है, लेकिन किसी आईपीएस अधिकारी को 16 किलोमीटर की दौड़ लगाते हुए देखा है? दावा भी हैरान करने वाला है। अब इसकी सच्चाई जरा देखिए। आंखों पर चश्मा, बदन पर पीले रंग की टी शर्ट और जीन्स, दौड़ लगाता हुआ शख्स और उसके पीछे पीछे भागते सुरक्षा बल। दावा किया जा रहा है कि यह शख्स आईपीएस अधिकारी है। नाम है राजीव त्रिवेदी। इन्होंने एक समारोह में शामिल होने के लिए 16 किलोमीटर तक दौड़ लगा दी। ये तस्वीरें, ये दावा अगर सच है तो मिसाल है। फिटनेस को लेकर सजग आईपीएस का यह फंडा किसी को भी सीख दे सकता है। हमने आईपीएस राजीव त्रिवेदी को लेकर पड़ताल शुरू की तो पता चला कि ये फिलहाल तेलंगाना सरकार के गृह विभाग में मुख्य सचिव हैं। राजीव त्रिवेदी पहले भी फिटनेस को लेकर सुर्खियों में आ चुके हैं। ये जिस तरह दौड़ लगाते हैं उसी तरह कई किलोमीटर तक साइकिलिंग भी करते हैं। उदाहरण आपके सामने है। आईपीएस राजीव त्रिवेदी जितने अच्छे अफसर हैं उतने ही अच्छे गोताखोर भी। ये वीडियो तब का है जब साल 2012 में उन्होंने बंगाल की खाड़ी में तैराकी की थी। भारतीय पुलिस के 150 साल पूरे होने पर राजीव त्रिवेदी ने ये कारनामा किया। अब इस बार उनकी रनिंग की तस्वीरें सामने आने के बाद बहस छिड़ी है। क्या 16 किलोमीटर दौड़ लगाकर कार्यक्रम में शामिल हुए आईपीएस राजीव त्रिवेदी? क्या उनके पास कोई कार नहीं थी या इसकी कोई और वजह है? सच की तलाश के लिए हमने इंटरनेट का सहारा लिया, ये जानकारी जुटाई कि आखिर कब और क्यों 16 किलोमीटर की दौड़ लगाई आईपीएस अधिकारी ने। पड़ताल के दौरान पता चला कि हैदराबाद की सुचित्रा एकेडमी में स्पोर्ट्स डे के दौरान आईपीएस राजीव को बुलाया गया था। सचिवालय से कार्यक्रम स्थल की दूरी 16 किलोमीटर थी। राजीव त्रिवेदी दोपहर 1 बजे निकले और तय वक्त पर पहुंच गए।